अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। जुमे का दिन है तो आप सबको जुमा मुबारक हो जनाब, और दिन का आगाज करेंगे अच्छी अच्छी बातों के साथ और कोशिश करेंगे कि आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप जब भी सुबह उठें तो आप फ्रेश हों और साथ साथ अच्छी अच्छी बातें सीखें, और हम भी कुछ अच्छा अच्छा आपको सुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में जो जो हो रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी में हो रहा है या कुछ आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। अच्छा जनाब, अब आपको मैं जापान के हवाले से बताने वाली हूँ, जहाँ पे अपनी तर्ज का एक अनोखा रेलवे स्टेशन है। क्या वहाँ पर जा नहीं सकते? अगर आप जाएंगे भी तो आप दीगर ट्रेन का जो कह लें एक उसका जरिया जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जापान के महकमा रेलवे ने गुज़श्ता कई बरसों से जनाब मुसाफिरों को हैरान करने की जिद पकड़ी हुई, और ये हैरान पे हैरान करे चले जा रहे हैं। और इसी हैरानी के सिलसिले में एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया गया है जहाँ ना आने का रास्ता है और ना ही यहाँ से वापस जाने का रास्ता है। मतलब ये आप सोच रहे होंगे कि आप ना जा सकते तो ना आ सकते, और ना ही यहाँ पे कोई चौकीदार है, ना ही आपको कोई टिकट काउंटर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात ये है कि स्टेशन पर सिर्फ ट्रेन से ही पहुँचा जा सकता है। अच्छा जनाब, वो जो अफराद हैं, आम अफराद हैं, वो यहाँ पहुँच ही नहीं सकते। करीबी पटरियों से गुजरने वाली जो गाड़ी है वो ही लोगों को यहाँ पर लाती है और कुछ देर के लिए यहाँ रुकती है, और लोग यहाँ पर उतर कर इस हसीन कह लें हसीनो जमील नज़ारे का जो है मंज़र देखते हैं और उसे लुत्फ उठाते हैं। और फिर उन्हें मालूम होता है कि ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक आरजी जगह है जिसका मकसद मुसाफिरों को यहाँ के हुस्न से आशना कराना है। स्टेशन का नाम जनाब बड़ा ही मुश्किल था। सुबह मैंने आधी जापानी जबान पढ़ने की कोशिश कर ली लेकिन मैं समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जनाब निशी की गावा रखा गया है स्टेशन का नाम, जिसका मतलब ये है कि नज़ारा करने वाला प्लेटफॉर्म। और मुसाफिर यहाँ जनाब कुछ देर ठहर कर अतराफ के खूबसूरत मनाजिर को दरिया के साथ देख सकते हैं, और उनके लिए एक यादगार लम्हा होता है। अगर वो उसको कैप्चर करना चाहे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर दोबारा रुख नहीं कर सकते अंटिल अनलेस जब तक कोई दीगर साथ वाली पटरी पे कोई ट्रेन उनको लेकर यहाँ नहीं आती। लोगों का गुमान यही होता है कि ये प्लेटफॉर्म है और लोग यहाँ पर आकर आराम से टिकट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ना टिकट है, ना चौकीदार है, ना यहाँ आम अफराद आ सकते हैं। एक ट्रेन ही आपको लाएगी और कुछ देर बाद वो आपको लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो जापानीज ने बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ बनाई है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको अगली रिसर्च भी बता देती हूँ। अगली रिसर्च क्या है कि आपने कभी घर में सोचा हो कि, वैसे तो मैं बचपन में हमेशा सोचती थी घर के नीचे से ना कुछ सोने के सिक्के विक्के निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। लेकिन कुछ एक महंगा गुलदान जो है एक शख्स के पास निकल आया, और एक कबाड़ खाने की बात कीजिए ना, सब रद्दी है जहाँ पर इकट्ठी करते हैं, वहाँ पर एक पुराने से डब्बे के अंदर एक गुलदान मिला जो कि पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुआ। जनाब ये जो गुलदान है एक ख़ानदान को विरासत में मिला था, और जिसे बेकार समझकर कई साल कबाड़ खाने में रखा गया। फिर उन्हें ये ख्याल आया कि इसकी कीमत मुतय्यन करवाई जाए, और वो एक नीलाम घर को दे दिया गया। जनाब ये चीनी फन का शाहकार है ये गुलदान, और ये इसकी जो कह लें नीलामी हुई है वो 1,90,00,000 डॉलर्स की हुई है, यानी कि पाकिस्तानी 2 अरब रुपए में इसकी नीलामी हुई है। साउथ बे में एशियाई के हवाले से ओलिवर, जो इनके पुराने इस तमाम चीज़ों पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गुलदान फरोख करने वाला शख्स मेट्रो ट्रेन से सफ़र करके आया था, और उसने मेरे ऑफिस में आकर जूतों का एक डब्बा खोला जिसमें अखबार में लिपटा हुआ एक कदीम गुलदान था। और ये गुलदान चीन के जो चंग अहद है जिसको डिनेस्टी क्विंग कहते हैं उससे ताल्लुक़ रखता है, जो चीन का आखिरी शाही अहद भी है। और इस पर अब परिंदे और हिरन भी हैं वो नक्श किए गए हैं, और उसकी गर्दन बंद सुनहरी कशीदा कारी भी की गई है। गुलदान की सबसे अहम बात यह है कि इस पर एक स्टैम्प भी है जो क्वीना मैंगो, जो उनके फरमा रवा थे, उनकी मोहर है ये, और ये मोहर इस पर लगाई गई है। ये ख़ानदान जो है बेसिकली 1736 से 1796 तक चीन पर हुक्मरान रहा, और उनके जो कह लें असासों में ये एक बड़ी नायाब सी चीज़ थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गुलदान की नीलामी शुरू होते ही बोली देने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा रकम लगाने की जंग शुरू हो गई, और सिर्फ 20 मिनट में इसकी बोली जो है 19 मिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी थी, और वहां पर जाके ये ख़त्म हो गई। तो इतना सा गुलदान एक कबाड़ खाने में पड़ा हुआ, और जब एक शख्स मेट्रो ट्रेन पर उसको सेल करने गया होगा, उसने सोचा होगा कि कोई पाकिस्तानी 2 अरब या जो इतने 19 मिलियन डॉलर जो है वो अर्न कर लेगा इस मामूली से गुलदान से, मैं अंदाज़ा करें। चलें जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया कि रातों रात अमीर कैसे हो सकता है। आप सब अपने घर के स्टोर चेक करें,
शायद आपको कुछ पुराना मुगलिया दौर का कुछ मिल जाए, आप भी को भी इतने पैसे मिल जाए, मैं तो जाके सोचती हूँ। अच्छा जी, बैंकॉक के हवाले से बताएंगे, कई सियाहती मकामात हैं और एक नए मकाम का इजाफा हुआ है बैंकॉक में। ये एक स्काई वॉक है बेसिकली, जिस पर चलते हुए अच्छे अच्छों की सीटी गुम हो जाती है। ये स्काई वॉक क्या है जना? ये स्काई वॉक जो है किंग पावर महंकुन पर 10,030 फिट ऊंचा है और ये कहा जाए कि इस तरह से कहा कहते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन डेस्क है और इसकी जो छत है उससे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ से शहर तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है लेकिन यहाँ पर जाकर शहर का नज़ारा देखने के लिए भी बड़ा आपको दिल जिगरा चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे सारा ग्लास है। और इस इमारत की 78th फ्लोर पर स्काई वॉक पर चलने से पहले जूतों पर फैब्रिक करके बूट पहनना पड़ते हैं ताकि शीशे के स्काई वॉक जो शीशा है उसको कोई नुकसान ना आए स्काई वॉक पे। और ये तो मतलब पहले चाइना में ऐसे एक ब्रिज बनाया गया था जो पता नहीं कितने हज़ार बुलंदी पे था और वो पहाड़ों के दरमियान था और नीचे मिरर शीशा लगाया हुआ था और लोग जब देख रहे थे तो वीडियोज़ में इतनी वायरल हुई थी। और ये स्काई वॉक है बैंकॉक में, क्योंकि टूरिज़्म के हवाले से बैंकॉक बहुत फेमस एक कहा जाए जगह है, तो वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद हुई हैं और उन्होंने अपने टूरिज़्म को फ़रोग करने के लिए ये स्काई वॉक भी बनाया है। ना ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, न्यूज़ स्टोरीज पे डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।